जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल AR अनबॉक्स पे स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे और फैमिली के साथ इस लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे Mi A3 के कुछ ऐसे सीक्रेट कोड के बारे में, जिसके जरिए आप अपने Mi A3 डिवाइस के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर की बात हो या सॉफ्टवेयर की बात हो। आप ये भी जान सकते हैं कि आपके Mi A3 में कौन सा हार्डवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। उसके साथ ही आप सारे हार्डवेयर का टेस्ट भी कर सकते हैं, तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा। और बस आइए बिना किसी देरी के वीडियो को आरंभ करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए AR अनबॉक्स चैनल को, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अब हम पहले कोड के बारे में बात करते हैं, जो कि ये हार्डवेयर टेस्ट कोड। तो आपके अपने फोन को डायलर को ओपन करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा *#*#6463*#*#। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो टेस्ट का, उसके साथ ही साथ वर्जन इन्फो, डुअल सिम, SD कार्ड, आपको सारे LCD, टच पैनल, सबके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हमको टच पैनल टेस्ट करना है, हम यहाँ से टच पैनल को टेस्ट कर सकते हैं। बस हमको इस लाइन पर सीधा ड्रैग करना होगा, उसके बाद हम अपने टच पैनल को यहाँ से टेस्ट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, बहुत ही यूजफुल होगा अगर आपको लगता है कि आपके स्मार्टफोन का टच पैनल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या जो भी हार्डवेयर आपको चेक करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सारे टेस्ट को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको इस टेस्ट से एग्जिट करना है, तो आपको पावर बटन को एक बार प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ से आप टेस्ट से एग्जिट हो पाएंगे। उसके बाद अगर आपको मेन कैमरा या आपके फोन में जितने भी सारे कैमरा है आप सबको चेक कर सकते हैं, चार्जिंग को चेक करना है, बैटरी को, आप यहाँ से टच करके चेक कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कि हम आप लोग को एक और दिखाते हैं, यहाँ पे हम बैटरी पर ओके करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बैटरी की सारी डिटेल्स आ गई। तो पास है तो आपको पास पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर हम चार्ज की बात करें, तो अभी चार्ज पर नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ फेल पे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर ऑटो टेस्ट पे लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे फोन के सारे भी जितने भी हार्डवेयर हैं सब टेस्ट हो जाएंगे। सेकेंड कोड की बात करें तो ये बताएगा आपकी फोन की डिटेल्स। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपने अपने फोन को कितना यूज किया, आपके फोन की क्या डिटेल्स है, यहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो फिर से आपको एक बार डायलर को ओपन करना होगा, तो आपको फिर से टाइप करना है *#*#4636*#*#*#। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, फोन इन्फॉर्मेशन, यूजेज स्टेटिक्स और वाईफाई इन्फॉर्मेशन। अगर हम फोन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फोन की सारी डिटेल्स आ जाएगी, और यहाँ पे आपको डाटा, रोमिंग, नेटवर्क टाइप, कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है, नेटवर्क की स्ट्रेंथ क्या है, बैंडविड्थ स्ट्रेंथ क्या है, उसके साथ ही यहाँ पे आपको सेल मेजरमेंट इन्फो, सारी चीजें यहाँ पे आपकी फोन की निकल के आ जाएंगी। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे आता है यूजेज स्टेटस का। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कौन से एप्लीकेशन को कितने टाइम तक यूज किया है, तो आप अपने फोन के एक्सपीरियंस को यहाँ से देख भी सकते हैं। उसके साथ ही जो नेक्स्ट ऑप्शन है वाईफाई इन्फॉर्मेशन का, यहाँ से आप वाईफाई को अभी चेक कर सकते हो कि आपके वाईफाई की क्या इन्फॉर्मेशन है अभी तक। तो कुछ इस प्रकार से ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो आप लोग भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट कोड है दोस्तों कैलेंडर के बारे में। अगर आप अपने कैलेंडर में बहुत सारे इवेंट्स को ऐड करके रखे हैं और आप एक एक डेट पे सर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ओवरऑल जितने भी इवेंट्स हैं सब आपके सामने आ जाएं, तो बस आपको ये कोड टाइप करना होगा। और टाइप करने के लिए आपको डायलर ओपन करना है और कोड है *#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 
यहाँ पे हम इवेंट्स की बात करें, सारे इवेंट्स, फैमिली इवेंट्स, उसके साथ ही साथ हॉलीडेज इन इंडिया और आपके मेल पे जितने इवेंट्स हैं वो सब शो हो जाएंगे। अभी हमारे मेल पर ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर हमने ऐड कर रखा होता तो शो होता, और आपने अगर ऐड कर रखा है तो डेफिनेटली आपके सारे इवेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। कोड है दोस्तों IMEI नंबर के बारे में। एक IMEI नंबर स्मार्टफोन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आप लोग भी अपने फोन का IMEI नंबर कहीं जरूर लिख के रखिएगा। इसका यूज ये होता है कि अगर आपका फोन कभी भी गलती से खो गया या आप अपने फोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो दोनों केस में आपको अपना IMEI नंबर बताना होता है। तो अब इस कोड के लिए हमको डायलर ओपन करना और कीपैड में टाइप करना है *#06#। आप लोग इसको करने के बाद देखेंगे कि आपके डिवाइस का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और हर फोन में दो IMEI नंबर होते हैं, दोनों IMEI नंबर आपको शो हो जाएंगे। तो आपको इसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि कभी भी आपका फोन चोरी हो सकता है, आपको फोन को मान लो एक्सचेंज ही करना है, तो इन दोनों केस में आप इसको यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप IMEI नंबर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।